हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं सारी वो केवीएस से रिलेटेड पैडागोजी की चल रही है। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपका इवैल्यूएशन का चैप्टर कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी वीडियोस बननी थी वो बन गई। हमारा केवीए मतलब इवैल्यूएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम टीचिंग लर्निंग एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से यूज़फुल है, क्या है और टीचिंग लर्निंग एड्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री होता क्या है? अब देखिए, यहाँ पे आपको साउंड आ रहा है कि सहायक, यानी कि जो हेल्प करती है। ठीक है, तो और सामग्री मतलब कुछ मटेरियल ऐसा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वो होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग में हेल्प करें। ठीक है, जो आपकी टीचिंग हो रही है, जो टीचर्स के द्वारा स्टडीज़ करवाई जा रही है और जो बच्चों के द्वारा लर्निंग कराई जा रही है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या है, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। देखिए, क्लासरूम टीचिंग कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, हमारे चैप्टर्स चल रहे थे हेरिडिटी के और साइकोलॉजी का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके कारण क्या होता है, हर किसी बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, सीखने का तरीका अलग होता है, मेंटल लेवल अलग होता है, फिजिक्स अलग होती हैं। तो वो सारी आपकी किस पे इफ़ेक्ट करती हैं, वो सारी आपकी टीचिंग पे इफ़ेक्ट करती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट ना करे कुछ भी। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है, मान लीजिए ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है आपका क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब इनको डिस्टरबेंस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इनको डिस्टरबेंस करने के लिए एनवायरनमेंट हो सकता है, बोरिंगनेस हो सकती है, बोरियत आ सकती है, और क्या हो सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता, मटेरियल अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सा और जो साउंड्स होती हैं, नॉइज़ होती है, एक्स्ट्रा नॉइज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। कि क्लासरूम के अंदर जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि शायद एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट ना रहे, ताकि बच्चे के क्या है डिस्टर्बेंस आए, वो पढ़ने में क्या है इंटरेस्ट ना ले। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से नॉइज़ क्रिएट हो रही हो, साउंड्स आ रही हों, तो बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, ये सारे और मटीरियल इफ़ेक्टिव ना हो, जो आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग का मटीरियल यूज़ कर रहे हो, वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो कि बच्चे प्रॉपरली उसको समझे ध्यान से और उसको सीख सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना इफेक्टिव बनाना है कि वो जो एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, बच्चा उस पर ध्यान ही ना दे, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, बच्चा उस पर भी ध्यान ना दे, जो एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट है नहीं है, बच्चा उस पर भी ध्यान ना दे, बच्चे का क्या है सारा ध्यान, जो अटेंशन है, वो आपकी तरफ और आपकी लर्निंग की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे का ज़रा सा भी 1% भी पढ़ने में मन नहीं होगा ना, तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस है बच्चे की, वो क्या है एक बड़ा इशू हो जाएगा, बच्चे का एक बड़ा मोटिव या बड़ा रीज़न हो जाएगा ना पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको बहाना मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी टीचिंग लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी यूज़फुल है, इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हो कि बच्चे के लिए क्या है उसमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है कि वो सारी जो डिस्टर्बेंस है बच्चे के लिए, वो उसको अवॉइड कर देगा, क्या है चाहे कितनी भी उसको डिस्टर्बेंस उनसे हो रही हो। ठीक है, तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं। आपने मन की बात एक प्रोग्राम सुना होगा, या वो जो आकाशवाणी है रेडियो पर आता है, वो क्या है, वो एक तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपका। क्यों? उसको हम क्लासरूम के अंदर यूज़ करते हैं, क्लासरूम में लर्निंग के लिए तो यूज़ करते हैं, बच्चों को डांस करवाने के लिए तो यूज़ नहीं करते।
तो वो उस जब हम वो वाले मटेरियल को ऑडियो विजुअल को ऑडियो को बच्चे सुनते हैं टेप रिकॉर्डर के द्वारा और वो रखते हैं, तो क्या है बच्चों का सारी अटेंशन सारा ध्यान क्या होता है उसी की तरफ होता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करना, जैसे आप क्लासरूम में और चीज़ें भी दिखाते हो, चार्ट पेपर शो करते हो बच्चों को, तो उसमें क्या है बच्चे कलर्स और कुछ अलग अलग पिक्चर्स देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप स्लाइड्स दिखाते हो, सारे बच्चों का ध्यान उसी तरफ होता है, अगर उनको प्रॉपर दिख भी नहीं रहता तो भाग भाग के आगे आके बैठते हैं कि मुझे भी देखना है मुझे भी देखना है। तो ये सारे तरीके क्या है कि टीचिंग को लर्निंग को इतना इफेक्टिव बना देना जिससे बच्चे क्या है इधर उधर उनका ध्यान जाए ही ना। ठीक है, तो ये थे आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव इंटरेस्टिंग बोरियस से बचाकर इतने अच्छे तरीके से बनाए कि बच्चे को एक ज्ञान प्राप्त करने में जो बच्चा नॉलेज ले रहा है उसको स्टेबल करने के लिए उसे हेल्प हो और बच्चा उसको कभी भी भूले ना। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्यों यूज़ करने चाहिए। देखिए पहली बात जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों यूज़ करने चाहिए, क्या होना चाहिए। पहली बात, बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं कि बच्चों का अगर ध्यान इधर उधर है तो सारा ध्यान जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे तो बच्चों का सारा ध्यान क्या होगा आपकी तरफ होगा, यानी कि ध्यान एकाग्रित करने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। सेकेंड, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं ताकि बच्चे उसमें मज़ेदार लगे बच्चों को और वो खेल खेल में सीख जाए, इंटरेस्ट लगे, बोरियत ना हो, नींद ना आए, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, और बच्चे का ज्ञान स्थायी करने के लिए यानी कि परमानेंट नॉलेज के लिए बच्चे के लिए करते हैं कि बच्चे को टीचिंग लर्निंग से, जब आप टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ करके बच्चे को लर्निंग करवाओगे तो बच्चे का क्या है जो नॉलेज बच्चा गेन करेगा वो परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ऐसे ही सुना है तो वो शायद आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगी क्या सुना था क्या पढ़ा था, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देख कर समझ के सुनते भी हो देखते भी हो सारी अपनी सेंसेस का यूज़ करते हो तो वो क्या है आपकी परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप उसको चाहकर भी भूल नहीं पाते हो। और या कभी ऐसा हुआ है कि 1-2% आपको मिस भी लगता है तो आपको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ इसलिए भी किया जाता है, उसका एक उद्देश्य ये भी है कि आपको जो भी कंटेंट पढ़ाना है जो भी ज्ञान बच्चों को देना है उसको जल्दी से जल्दी कम समय में पूरा किया जा सके, क्योंकि टीचिंग लर्निंग एड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ इसमें भी है कि आप उसको कम समय में कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या होंगे, एक चीज़ को सुनेंगे समझेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा वो रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करवानी पड़ेगी, देन बच्चे जब क्वेरीज लेकर आएंगे देन आपको दोबारा, यानी कि आप एक टॉपिक के लिए क्या है इतना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे कि उसको 2-2 या 3-3 क्लासेस में पढ़ाओगे। लेकिन अगर आप टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करके पढ़ाओगे तो क्या होगा कि बच्चे के लिए एक ही क्लास इनफ होगी, वो एक ही क्लास में इतना अप्रोप्रिएट तरीके से सीख जाएगा कि उसको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। जो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे अब वही इम्पॉर्टेंस है कि बच्चे का ज्ञान स्थायी करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, कि हमें क्या करना है बच्चे के अंदर उसका ज्ञान स्थायी करना है, जो भी वो नॉलेज गेन कर रहा है तो टीचिंग एड का यूज़ करते हुए बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाए, परमानेंट नॉलेज हो जाए जो भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना ताकि बच्चे को कोई भी चीज़ बोरिंग ना लगे, कोई भी चीज़ ऐसे ना लगे कि ये तो मेरे लेवल की नहीं है, ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैम आप कैसे पढ़ा रहे हो, तो बच्चे का क्या है उस कंटेंट के टूवर्ड्स क्या है इंटरेस्ट डेवलप करना। ये थे आपके इम्पॉर्टेंस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीचिंग एड। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप तभी किसी चीज़ का प्रयोग कर पाएंगे ना जब आपको पता है कि कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं। जैसे आपने फ्लैश कार्ड देखे होंगे, बाकी चीज़ें देखे होंगे, चार्ट देखे होंगे, डेमोन्स्ट्रेशन, स्लाइड्स, लिंगुआ फोन, ये सारे क्या होते हैं आपके टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स यानी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी
ये थे आपके ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य सामग्री जिनको हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते, ठीक है। जिसमें आपके आते हैं MP3 हो गया, टेप रिकॉर्डर होती है, लिंगवा फ़ोन और ग्रामोफोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक चीज़ याद रखना, जिनमें फ़ोन फ़ोन आ रहा है वो आपके क्या होंगे, ऑडियो एड्स होंगे, ठीक है। फ़ोन को आप केवल सुन सकते हैं ना, आप सभी के घर में फ़ोन होंगे, आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते होंगे, तो उनको क्या है, आप देख सकते हो सामने वाले बंदे को जिससे आप बात कर रहे हो, नहीं देख सकते ना, उसमें क्या होता है केवल आप सुन सकते हो। तो लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंगवा फोन आपका ऑडियो एड है, विजुअल एड है, या ऑडियो विजुअल तीनों एड है, या कोई भी नहीं है। तो याद रखना, जिसमें आपका फोन का यूज हो रहा है तो मतलब वो आपका ऑडियो एड्स है, यानी कि श्रव्य सामग्री है जिसमें केवल आप सुन सकते हो, यानी कि लिंगवा फोन, ग्रामोफोन और आपका टेप रिकॉर्डर वगैरह, ठीक है। ये आपकी श्रव्य सामग्री हो गई जिनमें आप सिर्फ सुन सकते हो, इनका यूज़ करते हुए क्या है आपको टीचिंग करवानी है। आप टेप रिकॉर्डर का कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आकाशवाणी का एक प्रोग्राम आता है रेडियो पे, तो उसके थ्रू आपको आपको अपनी टॉपिक कुछ रिलेटेड बच्चों को पढ़ाना है, तो वॉइस उसमें रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर में देन बच्चों को सुना सकते हो, या किसी अच्छे आपको किसी का लेक्चर सुनवाना है तो उसकी वॉइस रिकॉर्ड करवा के आप किसी बच्चे को लेक्चर सुनवा सकते हो, ठीक है। इन सब का यूज़ क्या है, आप बच्चों की टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनाने के लिए करा सकते हो, ये नहीं कि किताब खोल के केवल उसको लेक्चर दे के आप पढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है विजुअल एड्स यानी कि दृश्य सामग्री जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। हमने सुनने वाले ले लिए, अब देखने वाले में क्या हो गया, लाइक फ्लैश कार्ड हो गए, फ्लैश कार्ड के बाद आपके चार्ट्स हो गए, और आपके जो मैप्स वगैरह होते हैं वो हो गए, समाचार पत्र हो गए, मॉडल हो गए यानी कि न्यूज़पेपर, मॉडल्स, ठीक है। ये क्या है आपके दृश्य सामग्री है। फ्लैश कार्ड्स को आप देख सकते हो कि उनके ऊपर क्या होता है, इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पे ए लिख दिया एक कार्ड पे, एक कार्ड पे बी लिख दिया, जिसके ऊपर सिर्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनका यूज़ क्यों कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड ज़्यादातर क्या होता है, प्राइमरी क्लासेस में आप छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्राई किया था अपनी टीचिंग लर्निंग में, जब मेरी प्रैक्टिस थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैंने वहाँ पे फ्लैश कार्ड का यूज़ किया था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने बच्चों के साथ, मुझे अल्फ़ाबेट रिवाइज़ करवाने थे, देन मैंने आज अपनी अल्फ़ाबेट्स की क्लास ली, देन मुझे रिवाइज़ करवाने, तो मैंने क्या किया, फ्लैश कार्ड बनाए, जितनी भी ABCD हमारी है, तो ABC ऐसे करके कंटिन्यूज़ किया है सीक्वेंस में, फ्लैश कार्ड पे लिख दिया, और उस पर कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम्स कर दिए कि लाइक किसी के ऊपर कैट के कान बना दिए ऐसे करके, और ऐसे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या करी, बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए, मतलब बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, बच्चों को अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करी, देन मैंने बच्चों को ये क्या दे, फ्लैश कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए सबको। फिर मैंने उनसे बोला कि चलिए, मैंने कल आपको ABCD पढ़ाई थी, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए थे, तो आज उनके बारे में ही बात करते हैं, आज उन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। तो आपके जिस जिसके पास कार्ड्स हैं, मैं जो भी अल्फ़ाबेट लूँगी और जो जिस बच्चे के पास वो अल्फ़ाबेट होगा तो वो अपना फ्लैश कार्ड ऊपर करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला बी, तो जिसके बाद बी था तो उसने चेक किया, बी करके रिकॉग्नाइज करके बी ऊपर कर दिया, बाकी बच्चों ने देखा मेरे पास तो बी नहीं है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के लिए रिवीजन हो गया कि बी अल्फ़ाबेट्स कैसा था, सी कैसा था, ठीक है। उसने फिर बाकी पूरी क्लास में शो किया कि बी अल्फ़ाबेट ये है, सी अल्फ़ाबेट ये है, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे टीचिंग लर्निंग को आप इफेक्टिव बना सकते हो। उसके बाद आप चार्ट्स और मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप थोड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर क्या करते हो, आपको मैप्स पढ़ाने हैं, पॉल्यूशंस पढ़ाने हैं, तो इसमें क्या आप चार्ट और मॉडल्स और उस सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी देनी है, कुछ देना है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपके दृश्य सामग्री जिसमें केवल सुन सकते हैं, आप देख नहीं सकते, ठीक है। ये होती है सुनने वाली, ये होती है देखने वाली। अब
थर्ड टाइप है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। देख सुन किस में सकते हो? दोनों, लाइक टीवी हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, टीवी, कंप्यूटर, ऑडियो टेक्स या कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स में आती है। अभी आपको पता ही है कि स्मार्टफोन्स चल रहे हैं, ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, अगर अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हो कॉल पर, तो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो आप? केवल ऑडियो का, ऑडियो विजुअल एड का यूज़ कर रहे हो कि आप उसको सुन पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी फैसिलिटीज़ और आ गई है कि व्हाट्सअप कॉलिंग होने लग गई है, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग होने लग गई है, मैसेंजर वीडियो कॉलिंग होने लग गई है, स्काइप आ गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेंजर पे वीडियो कॉल कर सकते हो। तो वीडियो कॉल में क्या होता है, आप सामने वाले बंदे को देख भी रहे हो और उसकी बातें सुन भी रहे हो, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों का प्रयोग किया जाता है वो हो गए आपके ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ये समझ आ गए, जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो में आपके केवल सुनने वाले, वीडियो में आपके देखने वाले, और ऑडियो वीडियो दोनों में आपके सुनने और देखने वाले, लाइक टीवी, कंप्यूटर, वीडियो टेक्सिंग, जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग हो गई, मैसेंजर कॉलिंग, वीडियो कॉल्स हो गई आपकी, वो सारी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग लर्निंग का इम्पॉर्टेंस क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी इम्पॉर्टेंस के बारे में, एक दो इम्पॉर्टेंस और हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि टीचिंग लर्निंग की एक जो कंटिन्यूसिटी होती है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस होता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे लेक्चर मेथड से पढ़ रहे हो तो शायद बच्चे स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट लें कि मैम कुछ नया पढ़ा रही है, ठीक है, पढ़ते जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा कि यार मैम कितनी देर से बोल रही है, सुने ही जा रहा हूँ, ठीक है, उसको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए अपनी लर्निंग को प्रभावित बनाने के लिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रखने के लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स और इन सब का यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का। इससे क्या होगा, बच्चे स्टार्टिंग में जितना इंटरेस्ट लेंगे, लास्ट तक जाते जाते बच्चे उतना ही इंटरेस्टिंग रहेंगे और उतना ही एक्टिव आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक और पॉइंट है, इससे एक और पॉइंट है कि उसको इंटरेस्टिंग और रुचिकर या प्रभावशाली यानी कि इफेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते ही करते हैं। और इससे एक डायरेक्ट नॉलेज भी बच्चे को मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट नॉलेज कैसे मिलती है, आप अगर बुकिश लैंग्वेज फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा भी क्या है, बुक आपका भी सुनेगा, बुक में भी देखेगा मैम कहाँ पढ़ रही है क्या। लेकिन इससे क्या है, डायरेक्ट आप दिखा के बच्चों को समझाओगे तो उनको बुक्स और अदर मटीरियल्स की ज़रूरत नहीं है, केवल वो आप ही के द्वारा क्या होंगे, फटाफट इसके थ्रू लर्निंग कर लेंगे, जो बहुत इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक और चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको KVS PGT कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल पार्ट चाहिए, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।